पता नहीं कहाँ भाग गया उसके पीछे और इसकी संगली यहाँ पर कहीं गवाच गई है। मेरी कोना चुप्पी हो जाती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी 5:15 हुए हैं और अभी मैं अपनी हाँ चलते हैं। आई नो, एक्चुअली इनका टाइम हो गया है घूमी घूमी का और हमारे यहाँ पर बारिश हो गई है, तो मैंने सोचा चल रुक के चलते हैं, पार्ट कर लेते हैं जब तक, और की भी अब कह रही है चलो इनको घुमा लाती हूँ। ये तो हम चल पड़े, बारिश पड़ के कितना अच्छा लग रहा है, कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। गाइस उधर चलो चलो चलो। तो ऐसे ही हवा के लिए हम तरस गए थे, शुक्र है परमात्मा जी का कि रात को उन्होंने बारिश कर दी। ओ यार, की माँ का दुश्मन आ रहा है। वैसे वो तो दुश्मन नहीं मानता, यही मानती है। और मौसम यार, थैंक यू भाई गुरु जी। एंड बाय द वे उसका नाम प्रियोर, इसकी चाल चेंज हुई है, इसकी नजर उस पियरियो पे, ये भी देख रहा है। एंड किन वो भी क्या हरकत है इसकी, वो बस बस चलो 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 ये बस की मैं वो कुछ नहीं कहता। अब सेकंड है रॉकी, ये उसको पहले भोंकती, बहुत ज्यादा भोंकती थी क्योंकि वो रिस्पांस में कुछ बोलता नहीं था, इसलिए इसने शांति होगी। आउट, चलो आपको रुक के मिलते हैं, इनको घुमा लाऊं मैं, वरना दोनों को ना हैंडल करना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। एक यहाँ खींच रही है, एक वहां जा रही है, और आगे से रॉकी आ रही है। मिलते हैं रुक के। 5:38 हुए हैं और सनराइज होने वाला है, एंड इसने रॉकी को कुछ नहीं कहा क्योंकि बहुत कह चुकी है उसे। मौसम कितना मौसम लग रहा है यार, आई लव दिस। फंस गया, A few moments later. ये थोड़ा लूज है इसलिए जुनू छूट गई है, उसको पता नहीं था मैंने उसे कहा कि जुनू, उसने पीछे देखा और वो अंदर बढ़ गई। पहले कभी ऐसा नहीं करती थी। अब किमी भी कह रही कि छोड़ दो मुझे, बट यहाँ पर तारें लगी हैं यार। पहले एक बार मैंने इसे छोड़ दिया था और बहुत गंदी तरीके से घायल हुई थी, इसलिए मैं नहीं चाहती दोबारा ऐसा कुछ हो, तो मैं उसको बुला रही हूँ। जुनू आ जाओ, चलो देखिए कितना इग्नोर मार के जानती है कुड़ी। जुनू कोयल भी कुकू तेज होगी, कू तू हा, नो रिस्पांस। आ गया, गुड गर्ल, आज इतने कुछ अड्डा है ना, इधर आ जाओ, नन्ने थैंक यू नन्नो, बहुत अच्छे बच्चे हो, शुक्र है आ गई, थैंक यू कू बाय, उन्हें पक्का चलिए, लेट्स गो। हमें सीधा जाना था, जुनू का नहीं जाना, चलिए करे, अभी गिरना था मैंने, जुनू जा, कुछ पागल जी, तुम्हें क्या कहा जाना था, जाना मान देगी ना तू, मार छिक्का होगी, शादी होगी, छिकरो चलो कर चलिए, नहीं कहा जाना, हूं कल चलांगे, कल जाना, हाँ गुड गर्ल गुड गर्ल, चल चलो कल जाना सीधा, हर बार इधर ही बोल दिया मैं, जुनू बाहर निकलो सट लगेगी, मम्मी ने चिड़का मारनी है, घंटे दी सेट 1.5 घंटे दी बनाती है अपा, ये बारिश क्या पई है, तो मेरी गल ही नहीं सुन रही, सनी क्या क्या गल हुई सी, क्या गल हुई सी, हम सीधा कर जाना, तो तू क्यों अंदर बुरी आ रहा है, क्यों सीधा कर जाना, मैं क्या खाएंगी। A few moments later. अच्छा की गल कीती की कर जाना, तू मन गई सी फिर इत्थे आके रुक जांदे हो यार, इन्ना वधिया मौसम है, मैं योगा भी करनी है, नहीं जाना इधर। आ देख लो चलो कर, नहीं इधर नु नहीं जाना, चलो ओ गॉड की बोरा कि मेरा पागल हो जाएगा बेचारा, डर ना ना बच करो, नहीं अनु नहीं पोंगना मोटी, यार नहीं संभाल पाई मैं, पागल लड़की हूँ, छोड़ो उसे, किमी उसको भी क्या जरूरत थी, पर तेज तो वो भी है यार, मेरा जुनू पीछे रह गया, मेरा जुनू इसलिए, ओह लो
इन्हें पूरा ओनू चढ़ के आना। जीनू आजो आजो तुसी आजो आजो तुसी इधर आजो, तेरी हो गई ये संगली। क्या यार इतना अच्छा मौसम वर्स्ट मौसम बना दिए, किमी पता नहीं काम भाग गई है उसके पीछे और इसकी संगली यहाँ पर कहीं गवाच गई है और मुझे ढूंढना पड़ेगा। क्या हंसू यार उनको समझ नहीं आ रहा। जून करेगा बड़ी आराम से मस्ती कर रही है। एक ये थैंक यू। हेलो जी संगली कितने संगली लुपो कि माता पता नहीं कितने चला गया। क्या यार खेतों में संगली ढूंढ रही हूँ और योगा तो आज मेरी रही गई। जूनो की फिक्र है इन मिली मिली चिड़का पहन गया सानू यार कितने आ गई। शुक्र है क्या फिक्र कर रही है संगली लुपो ने क्या कितने चला गई सी है? कुड़ियों में की गलत थोड़ा यार। चलो कार चलो पहला चलो कार छड़ के आऊं पहला चलो कितनी बुरी हालत की थी ये है ना नहीं। आजो 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 आज छेती छेती आजा संगली पता नहीं कितने चली गई। आजो 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 गंदा मंदा बन गया तू भी। चल चलो चलो निकलो 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 हूँ चलो। फाइनली हम घर पहुँचने वाले हैं और यहाँ पर छोटू छा बेबी है जान दो चलो। चलो शुक्र है घर पहुंचे मैं तो लगे आज पहुंचना ही नहीं अपा करे। तो आंटिया इनी ओवर एक्टिंग कर दी है ना मतलब जुनू जस्ट पूछ भी ला के ना कोल जा रही सी कुछ कह भी नहीं रही बहुत भी नहीं कर रही थोड़ा ना एजुकेशन होनी चाहिए अभी एनिमल्स का बिहेवियर तुसी गां पाल रहे हो पाल रहे हो ना तो बिहेवियर थानू पता नहीं है है ना। फिर तुसी कहंदे हो ओ डर लगदा भाई डर लगदा भाई तुसी देखो तो सही कुछ कह रही है नहीं जान बुझ के ओवर रिएक्ट करना है। तेरे प्यानू ना गुगड़िए डिजर्व हर कोई नहीं करता ठीक है जो तेनू प्यार करता है ना ओही डिजर्व करता है। Your love is unconditional, Motu. हर कोई deserve नहीं करता लड़ो। कहाँ हो गया? अच्छा, चिड़का जाना माती छोड़ी नानिया छोड़ी। ऊपर चलिए, चलिए ऊपर, चलो चलिए। शुक्र है दोनों अब सेटल हो गई हैं और अपना खाना खा रही हैं नवी मंजी पे है ना। अब बहुत अच्छी हवा चल रही है यार। योगा तो अभी मैं सुबह नहीं कर पाऊंगी इतने अच्छे मौसम में क्योंकि 7 बज गए हैं। चलो मैं थले जा रही तुसी रोटी खा लियो ठीक है पूरी ठीक है थोड़ी काम वास्ते भी रख दियो नाने ठीक है। So, अभी मैं फ्री हुई हूँ और अभी 10:20 हो गए हैं मैं अपना ब्रेकफास्ट करने लगी हूँ जो कि मेरे पास सो रखे हैं और मैं आज खा रही हूँ छिछा विद परांठा। डोंट वरी ये ज्यादा घी नहीं लगाया आई गेस मम्मी बनाते हैं मेरे लिए परांठास और मैंने उन्हें मना किया हुआ कि घी मत लगाना थोड़ा सा नारियल का तेल लगा दो ना तो वही लगाते हैं। और छिछा जो है आम से बनता है पंजाबी तो छिछा कहते हैं बाकी पता नहीं बाकी स्टेट में क्या करते हैं बट हमारे यहाँ छिछा कहते हैं और ये इतना टेस्टी होता है ना यार। पहले मुझे ना बिल्कुल स्वाद नहीं लगता था छिछा बट यहाँ पर आने के बाद है ना मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया मैं अब छिछा ही खाती रहती हूँ। आई लव दिस। सो खाना खाने के बाद मैं 1.5 घंटा सो गई और क्या नींद आई यार मजा आ गया। जिन्होंने यहाँ पर सो रखी थी और मैं यहाँ पर दरी बिछा के सो गया। जो नीचे सोने का आनंद है ना वो बेड पे कभी नहीं आ सकता। बहुत मजा आया बहुत अच्छी नींद आई और बहुत अलग अलग प्रकार के मुझे सपने आए। एक सपना था कि है ना मैं गुरुद्वारा साहब जा रही हूँ और जुनू के मम्मी भी साथ चल पड़े और खेती खेत थे मतलब चंडा जी जा रही थी तो खेती खेत थे और वहां पर दो बड़े बड़े पत्थर थे तो एक साइड जुनू लेट गई एक साइड किमी लेट गई पत्थर पे और बीच में धूप हो गई और मैं ये सोच रही यार धूप च लेट गई हाँ फिर अगर ये तो कुछ इदा ही सोंदी रही हाँ फिर इन्हों फिर सा जाएंगे मैं ये टेंशन हो रही कुछ भी और पता नहीं मैंने ब्लैक कपड़े डाले हैं एंड मोस्टली जो भी गुरुद्वारा साहब जा रहा था ब्लैक ही कपड़े डाल रहा था कुछ भी यार छड्डो।
एक दो और सपने आए थे वो मुझे अच्छे से याद नहीं है बस, बट नींद बहुत अच्छा आई रात को। एक्चुअली मैं सो नहीं पाई थी क्योंकि ऊपर नेरी आ गई थी बहुत ज्यादा, हम छत पे सोते हैं ना तो नेरी आ गई तो हम नीचे आ गए। जिन्होंने कभी अंदर कभी बाहर कर रही थी और कभी तो मेरे साथ ही लेटी रही, ऐसे लेटी तो नहीं वो तो बस बारिश देख रही थी क्योंकि बारिश थोड़ी तेज हो रही थी, उसके ऊपर पानी गिर रहा था और उसको पानी है ना अपने ऊपर गिरना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर वो कहीं पानी रास्ते में होगा ना जैसे पानी इकट्ठा हो जाता है कीचड़ वाला, तो अगर गलती से उसका पैर चल जाता है वो बड़े कोलजी मानती है तक आती ये कैसे हो गया। नींद बढ़िया आई तू शुश हो गई थी ना, बढ़िया ही नींद। तो जो यहाँ पर लेटी हुई थी मैंने ये गिला कर दिया था और किमी को लेटना पसंद नहीं है जैसे मैं बता चुकी हूँ, उसे गिल्ली वाली जगह पसंद नहीं है और इसको अच्छी लगती है, तो ये तो बस यहीं पर लेटी है। ये तो किसका ही बेड है मोटू का, गंजी गंजी अखा किटिया हुई यहाँ गंदे गंदे दाने ने शोके शोके उठ आया इतो पता लगता है सुंदर मुंडर तो मैं और पापा आए हैं जुनू की संगली ढूंढने के लिए जहाँ सुबह गुम हो गई थी गवाच गई थी, अब देखते हैं मिलती है या नहीं। डैडी इस पास से देखो इस पास से होगा, मेरी दूर दृष्टि जवाब दे रही है। मिट्टी में मिट्टी तो नहीं होगी संगली, जुनू के पैर लग रहे हैं ये, हाहा कौन है कितना दौड़ाया हुआ है उन्होंने बेचारे को। मिल गई ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ये संगली ढूंढ ली मैंने। मैंने लग ही रहा कि मिट्टी च तो हो नहीं सकती, उधर ही होगी क्योंकि डॉग उधर खड़ा था एंड अंदर बड़े ऐसे कितने संगली गिरी होगी। चलो शुक्र है मिल गई, टेंशन मुक्की सारे। चलो जुनू को दिखाते हैं संगली उसकी, ये जुनू की संगली मिल गई, 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 हैप्पीनेस जुनू की संगली मिल गई। चलो रोटी खाइए ना, रोटी खाने पर चलो रोटी खाइए, चलो चलो रोटी खाइए, चलो अंदर अंदर चलो, चलो की माँ चलो अंदर बारी रुक जा तू, चलो चलो मम्मी ने डस्ट दो। तो मैं खाने लगी हूँ, ये मम्मी ने दाल बनाई है पता नहीं कौन सी, बूंदी और आलू पाके, बूंदी है ना बूंदी है। सो मैं खा लेती हूँ और वैसे 7:10 हो गया, थोड़ी सी मैं लेट हो गई हूँ। जुनू को भी मैंने खाना डाल दिया है, किमो यहाँ पर बैठी है क्योंकि इसे बूंदी पसंद है और ये चाहती है कि मैं बूंदी के साथ इसे रोटी दूँ, है ना। अगर खाती है तो फिर मैं इसको बूंदी और दे दूंगी। खाओगी तो खुड़ी बूंदी ना खानी है, खैर के डिंडा पहला खुद खा लो ठीक है। चलो मैं खाना खा लेती हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। नीचे बैठ के खाने में ज्यादा अच्छा लगता है यार, ऊपर नीचे बैठ के खाया जाता है। स्वाद है ना किम्मा, नाइस। आई एम डन, अब जुनू एंड किमी को खिला देते हैं। खाइए रोटी, चलो खाइए पावी। आज भी थे मम्मी ने इडली बनाई इसलिए मुझे सुबह कॉल कर रहे थे, वो कह रहे कि रोज रोटी खा खा के हम बोर हो गए हैं इसलिए हमने सोचा कि आज हम कुछ चेंज लेके आते हैं। तो मैं सोचा यार हाँ सच्ची बात तो है, हर दिन वही रोटी दाल रोटी दाल, वैसे मुझे तो कोई इश्यूज नहीं है रोटी दाल में, तो कुछ चेंज तो होना चाहिए ना। तो सिमिलरली इनको भी ऐसे ही लग रहा होगा कि रोज ही रोटी दाल नहीं सॉरी कल्ली रोटी रोटी रोटी, तो इसलिए आज इन्हें बूंदी मिल रही है और ये दोनों हैप्पी हैं। ऐसे बूंदी जुनू को पहले से बहुत पसंद है, किम्मो को भी पसंद है, रोज वही रोटी खा खा के अच्छी भी रोटी बन गई है ना, शादा मुंह भी रोटियां वर्गा हो गया है ना नन्या, है ना जुनू, है ना किम्या, रज के भी खा लेने गया। चलो इन्हें मैं खिला देती हूँ फिर बाद में मिलती हूँ आपसे। सो खाना खा के हम आ गए हैं ऊपर, जुनू भी आ गया और ऊपर हमने मैंने तो नहीं पापा ने मंजे डाते हैं क्योंकि आज पापा ऊपर ही पहेंगे, वैसे रोज ही असली ऊपर पहने हैं, बस नेरी ना आ जाए कल वांगू जिदा कल आई थी। अरे चंद बहुत सोहना लग रहा है यार, कितना प्यारा लग रहा है चंद, और मौसम तो देखो जुनू के मैं इधर आओ, देखो देखो
जब मैं बुलाती हूँ ना ऐसे आते हैं तो जब मेरा दिल कार्टून कार्टून हो जाता है। जुनू इधर आओ, जुनू आ जाओ, जुनू आ जाओ, जुनू आ जाओ, जुनू आ जाओ, जुनू लाडला बच्चा लाडला। ये ना कि मैं या तो तुसी जुनू नू की बुला रहे हो, मैं एक ही है ना। और मैं हमेशा की तरह मैंने अपने आप को जला दिया, ये देखो अभी इतना ज्यादा दर्द हो रहा है ना यार। हमेशा कुछ ना कुछ पंगे तो मैंने करने ही है रसोई में, अपने आप को जलाती रहती हूँ मैं। नन्या मेरे छोटी छोटी बच्ची, चल जाओ बाबू का दो। ओए चिल्ली, ओए चिल्ली, ओए मानो। बस इनके ये ड्रामे तो हमेशा चलने वाले हैं, और ऊपर बहुत अच्छी हवा चल रही है यार सच्ची में। इसका कुछ करूंगी वैसे, लग तो रानी कि थोड़ा सा छाला पड़ गया यार। कोई ना, इतना तो चलता है। चलो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, टिल देन लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपना ध्यान रखना। जी आए नू, बाय बाय। जी आए नू नहीं, सॉरी सॉरी, चंगा जी। सूरज भी राइस हो गया है। कांति में सूरज भी राइस हो गए। यह साफ क्यों नहीं आ रहा।